अब आखिर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सबसे करना चाहूंगी, जो मेरे ख्याल में से हर यहाँ पर बैठी हुई तमाम मेंबर्स की यकीनन एक ख्वाहिश भी होगी, और आप सब अपने अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं वो हमारे साथ शेयर करें। मैं पूछना ही चाहूंगी कि अगर आप लोगों को एक दिन के लिए वजीर आजम बनने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे, क्या प्लान रखती हैं, किस कौन सा ऐसा कौन सा पहली चीज़ जो आपके जहन में आती है कि मैं ये चेंज लाना चाहती हूँ। तो हम पहले उम्मे कुलसूम से स्टार्ट करते हैं। जी कुलसूम बलोच, आप बताएं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर मुझे एक दिन के लिए मुल्क का सरबराह बनाया जाए यानी वजीर आजम, तो मुझे क्या करना चाहिए। इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि मेरा जो पहला इकदाम होगा वो तालीमी हवाले से होगा कि इस मुल्क का तालीमी निज़ाम किस हद तक बोसीदा है। ये सब जानते हैं कि इस मुल्क में क्या कुछ हो रहा है तालीमी हवाले से। मैं जो इनिशियल स्टेप होगा वो यही होगा कि इस मुल्क के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकते, क्योंकि हमें कम्पीट करना है बाकी कंट्रीज़ के साथ, जो एजुकेशन के बग़ैर बेटर और वेल एजुकेशन के बग़ैर इम्पॉसिबल है। हाँ, वैसे तो हर मसला ही अहम है, लेकिन मैं समझती हूँ अगर मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए तो मैं सबसे पहले फोकस करूँगी इस मुल्क की करेंसी के ऊपर, उसको इस वैल्यू पे लाया जाए कि हमारे जो कर्ज़े हैं वो कम हों और हमारी परचेजिंग पावर ज़्यादा हो, इस तरह से एक कोई सिचुएशन हो। एंड सेकेंडली, रोज़गार सबके लिए हो, क्योंकि किसी का पेट या किसी के बच्चे या किसी की माँ या किसी की बहन खाने का इंतज़ार नहीं कर सकते, किसी पॉलिसी बनने के लिए खाने का इंतज़ार नहीं कर सकते, वो रोज़गार सबके लिए हो। जी, अगर मुझे एक दिन का के लिए हुकूमत दी जाए तो मैं सबसे पहले हेल्थ पे काम करना पसंद करूंगी। हेल्थ होगी तो सब कुछ होगा। हॉस्पिटल्स बनाऊंगी, उनको उनका स्टाफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काबिल और लायक अपॉइंट करूंगी। एक दिन के लिए वजीर आजम बनाया जाए तो मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगी कि जो लेडीज़ के जो NIC बनाने में जो जितने सारे इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, लेडीज़ बेचारियां बार बार जाके वापस आ जाती हैं, तो जो शर्तें शर्तो शरायत हैं उनको थोड़ा इजी रखेंगे। और कोशिश करूँ कि जो जिन जिन लेडीज़ के NIC बन जाए उनके वोटर लिस्ट में नाम आने चाहिए, क्योंकि फिर वो वोटर लिस्ट में वो एंट्री नहीं होती तो फिर लेडीज़ की जो कोटा है वो कम हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस चीज़ को चेक और बैलेंस होना चाहिए और NIC के प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा इजी बनाया जाए।